अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है चेरी और आज मैं आपको Redmi Note 11 Pro का एक शॉर्ट सा रिव्यू देने वाला हूँ, जिसमें आपको बिल्कुल अच्छे छोटी सी वीडियो होगी, जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको इस मोबाइल को कंसीडर करना है और करना है तो कौन से यूजर को करना है, मतलब गेमर्स को करना है या कैमरा वालों को करना है या किस टाइप के यूजर को इसको लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ इसके डिजाइन की। अगर डिजाइन की बात करें तो इसमें जो एक डिजाइन हमें देखने को मिलता है, बैक पे भी ग्लास, फ्रंट पे भी हमें इसके ग्लास देखने को मिलता है, और हम इसके साइडों की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम का तरह लगती है लेकिन है वो प्लास्टिक की। और उसके बाद अगर हम इसके फ्रेम्स की बात करते हैं, इसका जो फ्रेम है वो थोड़ा बॉक्सी टाइप फ्रेम रखा गया है। उसके बाद अगर हम इसके बैक की बात करें तो बैक पे हमें इसके कॉर्नर गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलता है। और अगर हम इसके कैमरा बम्प की बात करते हैं तो कैमरा बम्प इसके पिछले मॉडल की तरह ही रखा गया है। तो अगर हम डिजाइन की बात करते हैं, ओवरऑल मैंने पिछली वीडियो में भी इसके सारी स्पेसिफिकेशन तो आपको बता दी थी, तो मेरे ख्याल में आपको स्पेसिफिकेशन ज्यादा नहीं बतानी चाहिए, बट मेन मेन चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस टाइप के यूजर को इसको लेना चाहिए। अगर हम डिजाइन की बात करते हैं, डिजाइन आपको बिल्कुल ही एक लेटेस्ट डिजाइन देखने को मिलता है। आप डिजाइन के लिए कोई अच्छा मोबाइल इस प्राइस में देख रहे हैं तो ये एक बहुत ही प्रीमियम और आउट क्लास मोबाइल है, आप इसको डिजाइन के हिसाब से जरूर कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसकी मेन चीज जो है डिस्प्ले। अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं, हमें इसमें 6.67 इंच की एक सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज एचडीआर प्लस के साथ और 12 बिट्स कलर के स्पोर्ट वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो इस रेंज में कोई भी मोबाइल ऐसा नहीं है जो हमें ये वाली डिस्प्ले प्रोवाइड करे। और डिस्प्ले की बात हो रही है तो इसके साथ साथ हम देखते हैं तो इसमें हमें जो वाइड वन एल वन की स्पोर्ट भी देखने को मिलती है। आप जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है फुल एचडी पर इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसको डिस्प्ले की खातिर तो इस मोबाइल इस प्राइस रेंज में कोई ऐसा मोबाइल आता ही नहीं है, तो डेफिनेटली आप इसको जरूर कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम इसके परफॉर्मेंस पे। तो परफॉर्मेंस में अगर हम इसमें बात करते हैं, इसमें दिया गया परफॉर्मेंस करिए मीडियाटेक का G96। अगर G96 की बात करते हैं तो यही वाला प्रोसेसर सेम हमें 28,000 रुपए में भी देखने को मिल जाता है। अब आप लोग सोच रहे हो 28,000 में टेक्नो की तरफ से टेक्नो कैमन 18P मोबाइल आता है जो इसकी इनवॉइस प्राइस है 34,000, लेकिन डिस्काउंट के बाद वो हमें 30 और अगर हम यूज में जाते हैं तो 28 तक हमें देखने को आसानी से मिल जाता है। तो वो बहुत ही आउट क्लास मोबाइल है इस प्राइस के हिसाब से। तो अगर हम बात करते हैं इसकी गेमिंग की, तो उस मोबाइल में मैंने काफी ज्यादा, क्योंकि मैं उसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, तो ये वाला प्रोसेसर गेमिंग में हमें किसी किस्म का लैग प्रोवाइड नहीं करता। अगर आप 40 FPS पे खेलते हैं, कंपिटिटिव भी खेलते हैं, तो आपको ये मोबाइल निराश नहीं करेगा, अच्छा मोबाइल है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि हमें हार्डवेयर नहीं दिया, स्नैपड्रैगन का हार्डवेयर नहीं दिया, 5G नहीं दिया, तो अगर देखा जाए ओवरऑल डॉलर रेट को, चिपसेट, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में चिपसेट की भी शॉर्टेज हुई हुई है, उसके हिसाब से भी ये एक अच्छा प्रोसेसर इस प्राइस में। इसको इतना डिग्रेड नहीं करना चाहिए, आपके डे बाय डे यूजर, आपकी मल्टीटास्किंग, आपके कैमराज, आपके सारे काम आसानी से कर जाएगा, तो आप इसको कंसीडर जरूर कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें प्रोसेसर के साथ साथ हमें इसमें 8GB और 6GB रैम देखने को मिलती है, UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलती है, और रैम टाइप भी हमें LPDDR4X वाला देखने को मिलता है। तो आप परफॉर्मेंस के हिसाब से भी इसको जरूर कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसके कैमराज भी। तो कैमराज में तो इस मोबाइल में सारी गेमें चेंजर या, क्योंकि अगर आप इससे किसी भी किस्म की फोटो लेना चाहते हैं, मिसाल अगर आप अल्ट्रा वाइड से लेना चाहते हैं इसके मेन कैमरा से, या आप इसके माइक्रो लेंस से, तो आपको ओवरऑल हर किस्म की कैमरास में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। यहाँ तक कि 1 लाख से नीचे नीचे मैं ये कह सकता हूँ कि कैमराज वाइज, फोटोज वाइज कोई भी ऐसा मोबाइल नहीं है जो इसको बीट कर सके। ओवरऑल बहुत ही एक अच्छा और आउट क्लास मोबाइल है। हाँ, अगर वीडियोग्राफी की तरफ जाते हैं तो वीडियोग्राफी में हमें कुछ मोबाइल ऐसे हैं जो हमें 4K 60 FPS भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमें ना तो 4K प्रोवाइड करता है और 1080p भी 60 FPS प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि इसको सॉफ्टवेयर के जरिए दिया जा सकता है। तो मुझे ये पक्की उम्मीद है कि इस बार Redmi इसको सॉफ्टवेयर के जरिए जरूर दे देगा, तो आपको टेंशन की बात नहीं, आप सिर्फ 4K की वजह से इसको कम ना कीजिएगा। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में 4K वीडियो आ जाएगी, लेकिन हाँ, अगर आपकी जरूरत है 4K की और 60 FPS की, तो फिर आप इस मोबाइल की तरफ ना जाइएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ वाइड वो चीज है कैमरे में जो हमें देखने को नहीं मिलती। उसके अलावा कैमराज में फीचर्स भर भर के दिए गए, हर किस्म का फीचर हमें देखने को मिलता है, तो कैमरा वाइज भी आप इस मोबाइल को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसकी चार्जिंग और बैटरी की तरफ। तो चार्जिंग भी इसमें हमें आउट क्लास देखने को मिलता है, 67 वाट की चार्जिंग देखने को मिलती है, और उसके साथ साथ हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है। हाँ, प्रोसेसर जो है वो थोड़ा इसमें 12 नैनोमीटर वाला है, मतलब थोड़ा ओवर फैब्रिकेटेड प्रोसेसर है, लेकिन अच्छा प्रोसेसर है, आपको बैटरी भी अच्छी मिलती है, और उसके साथ UI और बाकी जो चीजें उसके हिसाब से हमें बैटरी तकरीबन 1 से 1.5 दिन देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ हमें चार्जिंग स्पीड भी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, तो उस हिसाब से भी आप इस मोबाइल को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास, आप ऐसे यूजर हैं जिसके पास पहले से Redmi Note 10 Pro है, तो फिर आप इस मोबाइल की तरफ बिल्कुल भी ना जाइएगा, क्योंकि कई ऐसे हिस्से हैं जहां पे Redmi Note 10 Pro इससे ज्यादा सुपीरियर है। तो अगर आपके पास वो मोबाइल है तो वो स्टिल इस टाइम का भी किंग मोबाइल है इस प्राइस में, आप उसी को रखें, आप उससे यूज, आप उसको यूज करें, आपको इस मोबाइल में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास पहले
रेडमी नोट 10 प्रो नहीं है या फिर आपके पास उससे ऊपर वाली कोई डिवाइस है तो फिर आपके इस तरफ ना जाइएगा। लेकिन आप इस प्राइस में वैसे कोई मोबाइल लेना चाहते हैं जो आपको एक ओवरऑल अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करे, तो बॉक्स पाइक मोबाइल में ये वाहिद ऐसा मोबाइल है जो आपको एक ओवरऑल अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, आपको हर किस्म की हर तरह की यूजेज प्रोवाइड कर देगा, आपको ये निराश नहीं करेगा। तो आप इस मोबाइल को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, अपने भाई को दीजिए इजाजत।